get it right. अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ साई मिलेनियम और यहाँ पर एक लग रहा है आज ट्रेड फेयर, तो चलिए ज्वाइन करते हैं, दिखाते हैं आपको अंदर के यहाँ के फेयर के कुछ व्यू। मेन एंट्रेंस पर यहाँ पर दी गई है सेल्फी पॉइंट, जहाँ पर खड़े होकर लोग ले रहे हैं अपनी सेल्फी। तो यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है और यहाँ पर वो एंट्री कूपन जो यहाँ पर पास आउट होगा और उसके बाद होगी एंट्री स्टेट फेयर। यहाँ पर एक ट्रेड फेयर का आयोजन किया है, तो अथर्व भाई का स्वागत करते हैं सुनील भाई। मैं सर जवाब ही दे सकता हूँ, बस वैसे बोलने लायक नहीं हूँ मैं इस समय। भाई मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि इतनी पब्लिक हमारे पास आ सकती है, फिर भी एक शुरुआत है। अगली दफे आई थिंक हम इसको और अच्छा मैनेज करेंगे और है बच्चों के लिए और खुशी के लिए सब। एक फर्स्ट टाइम लगा है ये ट्रेड, जब ये स्कूल शुरू हुआ था तो सन 2005 में हमने एक दफे करा था छोटा सा, फिर 2009 में भी करा था एक पे, लेकिन फिर ये लंबा दौर हमने ये बहुत दिन बाद और दूसरे नजरिए से ही है इस समय। देखिए मेरा मकसद, सारे टीचर्स भी जानते हैं कि पैसा, मैंने बोला पीछा छोड़ दीजिए वो आपके पीछे, और पैसा ही नहीं कुछ भी आप ले लीजिए जीवन में, जिसका आप पीछा छोड़ेंगे वो आपके पीछे, यही तरीका है जीवन में, ये विश्वास अपना है। तो मेरे को पैसे के पीछे नहीं था, मैं एक अद्भुत चीज या जो नामुमकिन चीजें हैं जीवन में वही करने का प्रयास होना चाहिए, यही बच्चों को सिखाता हूँ मैं, और यही हमारे सामने जो रिजल्ट आता है। तो सर आज के ट्रेड फेयर में कुछ यूनिक क्या फेयर में क्या यूनिक कहा जाता है? मुझे लगता है कि एटलीस्ट इतना हजूम मैंने सोचा ही नहीं था पहली बात, और आपकी शायद बहन या बुआ हमारे ही उसमें है सितारा, उन्होंने मुझे आपके बारे में सतर्क भी किया था, लेकिन मैंने अपने आप को तैयार नहीं करा कि आप ये सब भी लेंगे, लेकिन जो भी हमारी बुराई है वो पहले बताना और जो अच्छाई तो सब सामने आपको जो दिख रही है वो आप लोगों को पहुंचाएं। एंड आई थिंक यू आर अ ब्लॉगर, आई नो दैट, एंड आई विश द बेस्ट फॉर एवरीबॉडी। एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि हम रावण को हर साल फूंकते हैं, राम है एक तरफ, लेकिन इसका सबको मायना एक पता है कि बुराई पे अच्छाई की जीत। भाई ये खाली यहां तक नहीं है ये लाइन, रावण बुरा किस तरफ से था, उससे बड़ा ज्ञानी नहीं, उससे बड़ा ताकतवर नहीं, उससे अगर आप देखें उसने गलतियां कहां करी, कुछ भी नहीं उसने गलत करा, सीता को ले गया लेकिन सबसे अच्छी जगह रखा वाटिका जो उसकी थी, बदतमीजी नहीं करी। रावण को अगर आप देखा जाए तो अच्छा या बुरा तो जीवन में है ही नहीं, कोई सही कहेगा कोई गलत कहेगा, ब्लैक एंड व्हाइट कुछ नहीं है, सही और गलत कुछ नहीं, कोई सही कहता है कोई उसको गलत कहेगा, शेड ऑफ ग्रे आता है, काला और सफेद के बीच में एक सलेटी रंग है, तो जीवन का दस्तूर भी सलेटी ही है और यही चलता है। देखिए मैं फिर भी आपको ये बताना चाहूंगा कि जिसके दिल में रावण बसता हो वो खाली एक हमारी ईगो है, अहंकार है, रावण में अगर एक कमी थी तो खाली अहंकार, वो हमें नाश करना है, और जिसने उसको निकाल दिया वहां राम बच जाते हैं। भाई राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उसमें खाली कहानी यह है कि आदमी को जैसे होना चाहिए वो दिखाया, भाई उन्होंने भी छल करा, राम ने ऐसा थोड़ा छल नहीं करा, सुग्रीव और बाली का हिसाब लेके उन्हें बाली को छल से ही मारा, तो लेकिन वो सब जायज माना गया। तो दुनिया में जब हम जीते हैं तो ये एक दृष्टिकोण मैं जरूर
क्योंकि दिवाली आ रही है, दिवाली मेला इसको कहा जाता है, दैट इज द वे इट इज हैपनिंग एंड आई विश एवरीवन द बेस्ट। और जो बात मैंने कही, थैंक यू सो मच, आई होप आपके लिए बढ़िया समय हो और हम जितना भी दे सके, सो नाइस, सो गुड, थैंक यू। तो सर हमारे साथ ज्वाइन किया, बहुत ही जो है ज्ञान की बातें जो है हमारे साथ शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं में भी लोग, लेकिन उधर पेड़ों के बीच में जाते ही ठंडक है। जी जी बिल्कुल, साई मिलेनियम इज ए ब्रांड, और ब्रांड जब कोई बनता है तो वो ऐसे नहीं बनता, उसके पीछे आदमी का जुनून होता है और आदमी के बहुत सारा वक्त लगा होता है। मैं वर्षों से देख रहा हूँ सुनील साहब को कि जुनून की तरह से ये प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, और हमारी दिली दुआ है कि ये और तरक्की करें और ये नया नाम इस इंस्टीट्यूशन को मिले। और सुनील साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हम लोगों को बुलाया, जिसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपका, और अगर हमारे लायक कोई भी सेवा कभी भी है तो वी आर रेडी टू डू एनीथिंग। सो गुड, एंड मैं सब सबके लिए दुआएं वैसे ही ये करता हूँ कि एक ही लक्ष्य है इंसान का, वो खुश रहना, वो इंसान को आना चाहिए, अपने जहन को खुद ही काबू रखना है, बस ये जिसको आ गया वो सुखी, सब आ गया। थैंक यू सब, थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ ज्वाइन किया आपने, धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बैलून पॉट हॉट है, 20 रुपीज का यहाँ पर जो है चार्ज है, और यहाँ पर शूट किया जाएगा बैलून को, यहाँ पर कुछ बच्चे कर रहे हैं टाइम, और ये है बलून पॉप शॉट दोस्तों, इस तरह का हिट द बेल, और यहाँ पर 20 रुपीज का ये चार्ज है, 20 रुपीज में ये तीन चांस है, वहां से मैम बॉल इससे पाइप में डालती है, जिसने इसको हिट कर दिया तो यहाँ पर, अच्छा हिट करने के बाद से आप कुछ प्राइज वगैरह, बहुत सारे प्राइस थे ये सामने रखे हुए हैं, जो भी प्राइस थे हमारे आधे ज्यादा प्राइस चले गए, ये न्यू प्राइस आए दोबारा। तो यहाँ पर मैम बॉल डाली इस पाइप में, जो भी इस बॉल को हिट करेगा उसके बाद यहाँ पर कुछ जैसे प्राइस रखे हुए हैं ये उसको दिए जाएंगे, 20 रुपीज में तीन चांस है, देखिए दो ये मिस कर दिए इन्होंने और ये हिट नहीं हो पाया। तो दोस्तों ये इस तरफ दी गई है सिटिंग एरिया, जहां पर लोग थक कर बैठे हुए हैं, और इस तरफ है मार्स, फोर डेक्स आर देयर फॉर दिस वन, इफ एनीवन पासेस थ्रू दिस होल तो यू कैन गेट अ गिफ्ट एट ईच एंड एवरीवन, गिफ्ट किस तरह का, स्टेशनरी एंड अदर, एंड इफ वन चांस विल बी गिवन तो इट विल बी लेस देन 20 एंड इट विल बी अकॉर्डिंग टू एडजस्टेड टू द 20 रुपीज, अगर चारों चांस लगे हो ही नहीं रहा ऐसा कभी, तो डबल गिफ्ट हमारी तरफ से, डबल गिफ्ट है फिर। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ सॉन्ग वगैरह, ये जो है म्यूजिक जोन है, यहाँ पर कुछ अपना टैलेंट वगैरह, यहाँ पर सिंगर सिंगिंग वगैरह हो रही है, और स्टेज में आप देख सकते हैं चारों ओर गेम्स है, कुछ यहाँ पर चार्ज वगैरह की शॉट है, फोल्डिंग है, इक्की है, छोले भटूरे वगैरह, और काफी गेम है यहाँ पर, मैं बारी बारी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पर घेरे दिए जाएंगे और यहाँ से जो है फ्लॉप करेंगे बच्चे, और यहाँ पर कुछ प्राइज इन्होंने रखे हुए हैं, अगर घेरा इसके अंदर चला जाता है तो वो सामान उन्हीं का हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरफ है अर्थ हाउस, देखते हैं यहाँ पर क्या है अर्थ हाउस में, हम आपको दिखाते हैं, तो ये है अर्थ हाउस, बस आपको डाइस रोल करना है, और जब आप रोल करेंगे जैसे कि मैं रोल कर रही हूँ तो यहाँ पे दो नंबर आया है, तो आपको दो कॉइन मिलेंगे, दो कॉइन, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक बॉल है, बास्केट में बॉल है, उसके अंदर आपको दो नहीं डालना है, अगर आपके दोनों जाते हैं अंदर तो आपको प्राइस मिलेगा, इस बॉल के अंदर डालना है, आपको सारे डालने हैं, तो आपको गिफ्ट मिलता है, गिफ्ट में यहाँ पे रियल जूस है, कई सारी भी चीज है जी। तो ये इसका चार्ज और कितना है चार्ज? 20 रुपीज का है ये कूपन है ना, उसमें कितने कितने चार्ज है? ये अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डाइस कम है, अगर आपका वन नंबर आता है तो आपको वन चांस मिलता है, अगर आपको टू नंबर आता है तो ऐसे ही। सर ये अल्फाबेट गेम है, 20 रुपीज कूपन पे हम लोग लेते हैं, इसमें क्या है बच्चे को 1 मिनट में अल्फाबेट अरेंज करने, अल्फाबेट अरब अरब वो अरेंज कर लेता तो उसके लिए कॉम्बो पैक है, गिफ्ट है,
देखिए भाई ट्राई कर रहे हैं, ठीक है आप करिए जरा, ठीक है माइक ठीक है बंद है, ठीक है 20 रुपीज का है और 20 रुपीज में दो राउंड है। फर्स्ट राउंड बच्चे को करना है तो फाउल आपके माफ है फर्स्ट टाइम में। अगर यहाँ तक पहुँच गए आप तो यहाँ रेस्ट ले सकते हैं और देन हम आगे तक जा सकते हैं। अगर आप पहले राउंड में जीत गए तो आपको ये पेंसिल मिलेगा, ठीक है। अगर आप नहीं जीते हैं तो आप वापस यहाँ से दूसरा राउंड लेंगे जिसमें भाई यहाँ पर स्टॉप है और दो फाउल आपके माफ है। तो यहाँ पर है फूड जोन, आप देख सकते हैं यहाँ पर कचौरी छोले और इस तरफ बर्गर वगैरह यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर स्कूल की तरफ से ऑलरेडी पहले से ही बच्चों को कूपन दे दिए गए थे, तो अलग अलग स्टॉल पर अलग अलग चीजों के अलग अलग प्राइस है। 10 रुपए का कूपन, 20 रुपए का कूपन, 30 रुपए का, तो स्कूल की तरफ से पहले ही कूपन दे दिए गए थे और यहाँ पर जो है कूपन दे करके आप कुछ भी चीज यूज कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं या कोई जैसे वायर पजल है कुछ भी आप जो है वो ऑलरेडी कूपन पहले दे दिए गए हैं। तो ये ट्रेड फेयर साई मिलेनियम में लगा हुआ है, बहुत सालों बाद जो है एक बार फिर यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है इस तरह का, इसको दिवाली मेला कहकर जो है साई मिलेनियम में आज ये यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया। तो दोस्तों इधर है मिक्की माउस बच्चों के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ का भी 20 रुपए इसका चार्ज है। तो यह है मिक्की माउस बच्चे कर रहे हैं यहाँ पर एंजॉय। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बच्चे कुछ सिंगिंग करना चाहें, कुछ अपनी परफॉर्मेंस देना चाहें तो इस तरफ माइक में वो कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप देख सकते हो यहाँ पर इसको बोलते हैं बुढ़िया के बाल। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर जो ज्यादा क्राउड आप देख रहे हैं चूंकि भूख का टाइम हो चुका है, यहाँ पर बना है छोले भटूरे। और दोस्तों इस तरह कोल्ड ड्रिंक का भी इंतजाम किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो दोस्तों आज का ये दिवाली मेला जो ऑर्गेनाइज किया गया है साई मिलेनियम पब्लिक स्कूल में, तो काफी कुछ यहाँ पर जो है बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए, जैसे कि बहुत सारे गेम्स हैं, काफी स्टॉल हैं यहाँ पर,
लंच का भी और फास्ट फूड वगैरह काफी कुछ इंतजाम किया गया, बच्चे काफी इंजॉय कर रहे हैं। तो आस पास से काफी लोग पहुंचे हैं और अभी भी जो है क्राउड लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों ये है कूपन, चलिए 20 रुपीज में क्या आता है ट्राई करके देखते हैं। तो दोस्तों ये कूपन हमारा यहाँ लग चुका है और आए हैं 20 रुपीज के टू हैं, 20 रुपीज के टू है क्या, कितने हैं 20 5 दही बल्ले 20 रुपीज के 5 पीस हैं, टेस्टी हैं, अच्छे हैं, चलिए करते हैं फिनिश। तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग साई मिलेनियम से, जहाँ पर चल रहा है दिवाली फेयर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्लीज़ वॉच माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक आप अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़। बहुत बढ़िया था ये आपका इस शहर के लिए एक बहुत नेक कार्य है और हर किसी को ऊपर वाला ये सलाहियत नहीं देता जो सलाहियत आपको दी है। शुक्रिया। आप हर जगह पहुंचते हैं और इवेंट्स रिकॉर्ड करते हैं, ये सर आपका एक बहुत एक सराहनीय कार्य है और शहर आपके इस कार्य की वजह से वो इवेंट्स देख पाता है जहां सब लोग नहीं पहुंच पाते। तो मैं आपको का शुक्रगुजार हूं और आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूं कि आप शहर के लिए एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। शुक्रिया सर। शुक्रिया।